हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुप्राले एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो जैसे गाइस आप सभी जानते हैं कि गाइस हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको जनरल साइंस या सामान्य ज्ञान से रिलेटेड गाइस जो क्वेश्चंस हैं इंडियन हिस्ट्री से संबंधित भविकल्पीय प्रश्न जो हैं उसकी वीडियो कंटिन्यूसली गाइस मिल रही होंगी। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं गाइस संगम काल। तो गाइस संगम काल से जुड़े सभी प्रश्नों को गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे। गाइस सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस बहुत ही आसान मेथड से समझेंगे, अपनी लैंग्वेज में गाइस इन्हें समझेंगे और गाइस इजीली ऐसे ही याद कर लेंगे, क्योंकि गाइस इसकी थ्योरेटिकल वीडियो हम गाइस जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाले हैं, वहां से गाइस आप थ्योरेटिकल नॉलेज भी इसकी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में केवल हम गाइस बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस आपको सबसे ऊपर हेडिंग दिख रही होगी संगम काल, फर्स्ट ली री सदी ईस्वी, यानी फर्स्ट ली से थर्ड री सदी ईस्वी तक, ये इसका गाइस समय काल है। अब गाइस के न्यूमेरिकल देख ले सॉरी बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गाइस में लाल चेर, क्या लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी यानी पंतिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो वो था सेन गटवन। कौन सा था? सेन गटवन। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? वो संबंधित है जैन धर्म से। किससे? जैन से। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड, तमिल भाषा में मणि मेल कलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ठीक है, तमिल भाषा में लिखा गया है कौन सा? मणि मेल कलई ग्रंथ। तो वो है गाइस बौद्ध धर्म से संबंधित। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर फोर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, निम्नलिखित में से संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो वो है गाइस तोल कप्पियम। कौन है? तोल कप्पियम। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो वो है गाइस कदम। किसका? कदम। किसका? कदम। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर सिक्स, संगम युग में उरियुर किस लिए विख्यात था? तो वो था कपास व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। किसका? कपास व्यापार, ना ही मसालों का, ना ही विदेशी व्यापार का, ना ही आंतरिक व्यापार का। किसका था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर सेवन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारा, तोलपक्कियम ग्रंथ संबंधित है, वो है व्याकरण और काव्य से। किससे? व्याकरण और काव्य से। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर एट, धार्मिक कविताओं के संकलन कुरल किस भाषा में है? तो वो है गाइस तमिल भाषा में। किस भाषा में? तमिल भाषा में। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर नाइन। तो नाइन है गाइस हमारा, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में तीन संगमों का आयोजन किया गया? तो वो था गाइस पांडे के। किसके? पांडे के। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर टेन, किसने उल्लेख किया कि नंदो ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो वो किया था उल्लेख गाइस मामूल नार ने। किसने? मामूल नार ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर गाइस सूची वन में राज्य दिए हैं, सूची सेकंड में राज्य के चिन्ह दिए गए हैं, वो हमें गाइस आपस में सम्मिलित करने हैं कि किस राज्य का कौन सा राज्य के चिन्ह है। तो देखते हैं। तो गाइस फर्स्ट देख लें, चेर। चेर का गाइस राज्य चिन्ह है धनुष। नेक्स्ट है गाइस चोल, तो चोलों का राज्य चिन्ह है बाघ। और पांड्य, पांड्य का राज्य चिन्ह है मछली। तो गाइस यहाँ पर विकल्प हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 12। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, सम्मिलित कीजिए। एक तरफ गाइस पुस्तक दी हुई है, एक तरफ उनके लेखक। तो सूची वन में पुस्तकें हैं, सूची सेकंड में लेखक हैं। तो गाइस यहाँ पर हमें बताना है कौन सी पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो देखते हैं, तेलकप्पियम ये लिखी गई है गाइस तेलकप्पियर द्वारा। नेक्स्ट है गाइस शिल्पकादरम, ये गाइस इलांगो अडिंगल द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है गाइस मणि मेकलई, ये गाइस शीतले सतनार द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है गाइस जीवक चिंतामणि, ये लिखी गई है तिरुदत्त देवर द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर गाइस ए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 13।
तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर भी गाइस हमें सूची वन दी है और सूची सेकंड दी है। सूची वन में क्षेत्र दिए हैं और सूची सेकंड में उनके अर्थ दिए हैं, तो वो बताना है हमें। तो यहाँ पर गाइस फर्स्ट है कुरुंजी, तो गाइस कुरुंजी का क्या हो जाएगा, पहाड़ी। क्या हो जाएगा, पहाड़ी। नेक्स्ट है गाइस पालई, तो पालई का हो जाएगा मरुभूमि, निरंजन स्थल। नेक्स्ट है गाइस मुल्लाई, मुल्लाई का क्या हो जाएगा, जंगल। मरुदम, मरुदम का हो जाएगा इस कृषि भूमि। और नेउल, नेउल का हो जाएगा तटीय प्रदेश। तो गाइस यहाँ पर हमारा ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 40। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 में सूची वन और सूची सेकंड दी गई हैं। फर्स्ट में संगम और सेकंड में उनके अध्यक्ष दिए गए हैं। तो गाइस प्रथम संगम उसका अध्यक्ष है अगस्त्य, सेकेंड है गाइस द्वितीय संगम उसके अध्यक्ष हैं अगस्त एवं तोलक्का पारियम। नेक्स्ट है गाइस तृतीय संगम उसके गाइस वो दिए हैं अध्यक्ष, वो कौन है, नक्कीरर। क्या है, नक्कीरर। तो गाइस इसका विकल्प ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए का फर्स्ट, बी का सेकंड और सी का थर्ड। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 15। कपाटपुरम एवं अलवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है, वो है गाइस आपका तोलक्कापियम। क्या है, तोलक्कापियम। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 60। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्होंने आर्य बनाया, तो वो कहा जाता है गाइस अगस्त्य को। किसे, अगस्त्य को। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 17। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासन ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा, तो वो भेजा था पांड्य नरेश ने। किसने, पांड्य नरेश ने। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 18। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है, वो है गाइस तमिल भूमि का बाइबल। क्या है, तमिल भूमि का बाइबल। गाइस क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्पकादिकारम को। किसको, शिल्पकादिकारम को। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 20। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है, वो कहा जाता है मणिमेकलई को। किसे, मणिमेकलई को। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 21। पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की, वो की थी नारिकाल ने। किसने की थी, नारिकाल ने। नेक्स्ट है गाइस मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, वो था चेर राज्य का। किसका, चेर राज्य का। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन सात आदमियों का पेट भर सकता है, वो कहावत है गाइस ये कावेरी डेल्टा के संबंध में। किसके, कावेरी डेल्टा के संबंध में। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 24। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर गाइस सूची वन में राज्य दिए हैं, सूची सेकंड में प्रख्यात शासक का नाम दिया है। तो गाइस राज्य चेर, चेर राज्य का जो प्रख्यात शासक था वो था सेन गुटवन। क्या था, सेन गुटवन। चोल, जो चोल राज्य था उसका प्रख्यात शासक था वो था कारिकाल। कौन था, कारिकाल। और पांडे का था नेडुजेलियन। क्या था, नेडुजेलियन। तो यहाँ पर गाइस ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 20। पिलनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे, वे निकलते थे गाइस कोलवे से। किससे, कोलवे से। गाइस अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो गाइस 26 हमारा गाय का अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले तीरों वीरों के समान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था, वो कहा जाता था वीरकल या नाडुकुल। क्या कहा जाता था, वीरकल या नाडुकुल। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 27। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे, वो थे स्कंद या कार्तिकेय के। किसके, स्कंद या कार्तिकेय के। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 28। संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नत किसके लिए प्रयुक्त होते थे, वो होते थे गाइस राजा के लिए। किसके लिए, राजा के लिए।
गाइस क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस हमारा, निम्नलिखित में से कौन संगमकालीन पतन पश्चिम तट पर स्थित थे? वो थे गाइस केवल 3 और 4 थे, यानी तोंडी और मुसिरी। क्या? तोंडी और मुसिरी। नेक्स्ट है गाइस 30 महाकाव्य शिल्पकदारिगम किससे संबंधित है? वो है गाइस कथानक में जैन तत्व से। किसमें? कथानक में जैन तत्व से। गाइस क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, मली मेलकई के लेखक कौन है? मली मेलकई के लेखक हैं शीतले सतनार। कौन है? शीतले सतनार। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही गाइस। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस यहां पर हमने संगम काल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कर लिए हैं क्वेश्चंस। तो गाइस इससे बाहर क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन गाइस पूछे जाते हैं, वो सभी हमने इस वीडियो में कम्प्लीट कर लिए हैं। तो गाइस आने वाली वीडियो में हम गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस हमने इससे पहली वीडियो में गाइस मौर्य काल के बारे में पढ़ा है। तो गाइस यदि वीडियो में कोई कमी हो गाइस तो गाइस वीडियो में हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।